हमारे आचार्यों ने कहा है कि द्रौपदी की साड़ी क्यों खींची? इसलिए खींची क्योंकि द्रौपदी को अपने पांचों पतियों के ऊपर बहुत अभिमान था। आपका पति बलवान हो या भगवान की कृपा समझना, अभिमान मत करना। आपका पति या आपका बेटा धनवान हो, भगवान की कृपा समझना, अभिमान नहीं। गुणवान हो, सुंदर हो, भगवत कृपा समझना, अभिमान नहीं। लेकिन द्रौपदी के मन में कुछ ऐसा ही आ गया। और जब व्यक्ति अहंकारी बन करके जीवन जीता है तो वो गलतियां कर बैठता है। माँ द्रौपदी गलती कर बैठी थी। ऐसी पवित्र नारी को जो शब्द नहीं बोलना चाहिए था, वह है या बोल गई। हमें नहीं पता था कंधों के आंधों का ही जन्म होता है। एक सात्विक नारी के मुख के विचार ये नहीं हो सकते, लेकिन वो बोल गई। और आप कैसे हैं? उसके परिणाम बहुत विपरीत निकले। और भगवान ने साड़ी उसी समय खिंचवाई जिस समय पांचों के पांचों महारथी वहीं बैठे हुए थे। काल भी जिसका सामना करने में हिचकिचावे, और वह पांडव द्रौपदी के वसन को बचा नहीं पाए। परमात्मा ने सिद्ध करके बता दिया कि किसके ऊपर अभिमान करते हो तुम। हमें भूल जाओगे तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो तुम्हारी रक्षा कर बैठेगा। जो मुझे याद करता रहेगा, दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि उसका कोई कुछ बिगाड़ सकेगा। इसलिए भैया, हमें और आपको चाहिए हम ईश्वर के बनकर के रहे, परमात्मा के बनकर के रहे।